What's up, भाई मेरे boys and girls, कैसे हो तुम लोग? कल के community poll में जिस वीडियो का सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं वो है Gauntlet 2.0 by Rap Demon, और उन सारे भाइयों का थैंक यू जिन्होंने टाइम निकाल कर वोट करा, और प्लीज ऐसे ही वोट्स देकर मुझे मेरे वीडियोस बनाने के लिए गाइड करते रहिएगा। क्या है भाई इस गाने में ऐसा Gauntlet 2.0 की मतलब हर आदमी मुझे कमेंट करके कह रहा है कि इस गाने के ऊपर जरूर रिएक्ट करो। ये देखो मेरी छोटी सी रिसर्च ने मुझे ये तो बता दिया है कि ये Chen-K के ऊपर एक Rap Demon की तरफ से डिस ट्रैक है, और आपके कमेंट पढ़कर ये भी समझ आ गया कि ये काफी फाड़ू डिस होने वाला है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग ये वीडियो साथ में देखते हैं और देखते हैं कि भैया इस गाने में ऐसा है क्या कि आप सब चाहते हो कि मैं ये गाना सुनूं और उसके ऊपर रिएक्ट करूं। बस वीडियो शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि वो जो सब्सक्राइब वाला आपको बटन दिख रहा है उसके ऊपर एक जोर से घंटा आप मारकर उसको लाल से सफेद कर दो, और उसको सफेद होने के बाद उसकी नोटिफिकेशन वाली घंटी भी जरूर टनटना देना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे Gauntlet 2.0 का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो 3, 2, 1 हियर वी गो। यार बहुत सुकून से बैठा था मैं, चुप था, पर इन लोगों ने मांगा यार, हाथ फिला फिला के मांगा। देना तो बनता है। देखे रैप शुरू और यही बेटे कुल तेरी हिप हॉप नॉलेज, लुली से भी छोटी तेरी खोपड़ी है, बोला था पढ़ाई तुझे रोक रही है, जो लड़कियां कानों में तू करे बॉडी शेम, तेरी जाहिलियत काफी ज्यादा भौंक रही है। SKD मतलब सनी खान दुरानी है आई सपोज, SMD का फुल फॉर्म होता है सक माय। मेरा रैप क्लाउड 9 तेरा फुटपाथ बैठा तेरा बाप रो सोचे काश मुझ मार लेता, आवाजें भारी बातों में वजन नहीं, हिप हॉप अवाम को होता तू हजम नहीं, हमसे ये कैसा किला है भेड़ के, तू तो तेरी सगी माँ को भी पसंद नहीं, असर नहीं होता कोई शर्म नहीं, बेफजूल के भरम नहीं, तू बोले अरे नहीं अरे नहीं, नादिर के पास कोई मरम नहीं, भेजा दर्जी की दुकान इस बार से लेने का नहीं इम्कान, मुतमईन साले तेरा ही तो शौक था, ऐसे ही तो होते अंकल के अंजाम, डीमन का सीन कुछ वायरस सा फैला, तुझे क्यों लगा के तू साले पहला, कर एहसास का तेरी औकात, तेरा जो टट्टा वो थैले का थैला, ये बोला आई वांट टू फॉलो द प्रॉफिट, मैं नहीं बनना चाहता कोई टूपाक, तो फिर साले बोलना ये किधर से सीखा तू, औरतों के जिस्मों की करनी यूं बात, ज्यादा नहीं दूर तेरा आएगा जवाल, यहां सब जाने चलता नहीं चाइना का माल, भाई ने कमाल दे दी आइंदा मिसाल, और आइंदा के बाद नहीं उठाएंगे सवाल, बेटा आएंगे मेरे सवाल, तेरी चीन की आर्मी बनाएगी मलाल, भाई जिम्मेदार भाई ने दी मार, 2:30 बजे माई तेरी ढूंढे तुझे बाहर, 52 बार्स मैंने अभी अभी गिने, इतनी सी देर में यू नो हूज विनिंग, बोला था मैंने पर रुका नहीं जा रहा, ये लो भाई हो गए ना पूरे 2 मिनट पीने, चल साइडो तेरी मेन हो बैठी हाई जोन, तो के तेरे भाई को साइको, छोटे तू है मैं केला खा रहा काइको, आई डोंट नो यू नो मैं तेरा फालिद, तेरे फ्लोर तेरे दोस्त को है फालिज, फालिज मतलब कि पैरालिसिस, मैं और मेरे ब्रोस करें करियर्स क्लोज, कहां से रोज आती ना जाए सुलाते। Oh, यार तो बाकी में लगा था मैं 2 मिनट पे जाके रुक जाऊंगा। अच्छा। इतने ही जानते हो भाई को। अच्छा। फराज़त यार ये वाली रोक। ओह। ओमैर। बीचेन। तू बजा। ओह। जानी 2 मिनट क्या तेरे लिए? भाई कैंड्रिक लमार के हो। ये मेरे लोगों के लिए है। कौन सा गाना था? बेंड डाउन। यार नॉस्टैल्जिक फीलिंग है भैंड चोद आखिरी साल। कैंड्रिक लमार बीट जैसी लग रही है यार ये। प्री एनिवर्सरी गिफ्ट तू रख ले। मुझे ढूंढ रही अवाम जैसे तालिबान, जानी गुस्से के मैं बढ़ूं लाले बान, उस पार भी है प्यार सब जाने नाम, everybody knows I don't have a shot. मैंने 16 बारी खोले नहीं कान, गोला बारी बहुत भारी चुक लो दुकान, थोड़ा तारी कपा कपा कांप मेरी जान, सुपर सोनिक फ्लो में मैं ले रहा तेरी आ, उठता मैं रोज होता जंग का मैदान, तू साले चोदता रे घंटा गयान, हिप हॉप में बॉर्डर नहीं कोशिश ना काम, लंडे साले एक माने तू और पठान, तकिया कलाम मेरा कतल पे कतल, तू बैठा मारी जा चवल पे चवल, लोग होते जा रहे हैं कल्चर से वाकिफ, और तेरी अवाम जो खच्चर की खच्चर, पीता तो तू भी है बोलने का पानी नहीं, पर जितनी पीता तू कोटने का साबी नहीं, काबिल नहीं लफ्जों के मेरे को ये एक भी पेश की, तूने मांगी थी बाजी नहीं, अभी तो कसम से हल्के में आ रहा, डरता ही जा रहा तू तरस में खा रहा, हिप हॉप के सीन में अपना तू चेला, चल घुटनों पे बैठ मैं कल्चर से खा रहा, उतारा की कोशिश आई वाज इंपेशेंट, फाड़ के एस बोलूं असैसिनेशन, कतल को कैश कॉल मी द सैटन, चाइना के छक्के ओवर के मेरे कभी नहीं।
मतलब कि वर्जिन गर्ल फॉर द कल्चर लोग हिप हॉप ना समझे वो चर्चर मैंने तो सुना था हरकत में बरकत पर तेरी हर हरकत महज एक सरदर्द सर को ना ऐसे तू पीटा कर बाहर की तरफ को जीवा कर सनी को बोल के टिस करे बाद में फुदी के पहले जा चपड़ा तो सीधा कर सीधा वर खू में I know they all wanna shoot me Bulletproof बैठा मैं बूथ में सालों के ये साले नूब है Lyrical methamphetamine से तू नसे भर तला जैसी pink man भाई तेरा Heisenberg समझते लगेगी थोड़ी देर तब तक तू insta पे बैठ के बातें कर चांटे दर गाना ये होना खफाने तूने की cancel लफाई ये खिलाने views के लिए मैं बोला collab का hip hop की लुगत में तेरी जगह नहीं मेरा तू fan था you said it all बोला collab का खुद पे मैं lol था तो मैं rapper जागी फिर गैरत फिर क्या फिर तेरी उठाई नहीं call दुनिया में पूरी एक फैली है दहशत कौमों पे चल रही है कैसी वो वहशत बात जो मुंह पे हमें एहसास नहीं डिसमिस में लगे हम कैसे बेगैरत वाओ मैन मतलब बंदे ने खुद से कह दिया कि देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग ये फर्दी के ड्रेस में लगे हुए हैं बहुत तगड़ा यार खैर तू बोला तभी तो चीरी ये चढ़ेगा कैसे तू सांप पे सीढ़ी पे कीड़ी से लगे ये जहां से देखूं ग्रैंडडैडी पर्प हम चलते नहीं पीढ़ी पे ग्रैंड डैडी पर्प पर्प का मतलब होता है एक टाइप ऑफ समझ गए ना ठीक है नेट पे देख लेना ग्रैंड डैडी पर्प चलते नहीं बीड़ी पे मैं मेरे से तूने क्या ले लिया कर लिया खुद को तू बोलता रे भेड़िया डिस वो ही अच्छी जिसमें नहीं गाली पैन जो ये कौन सा हिप हॉप क्राइटेरिया तू मर तेरे अब आप दी साले अब बॉर्डर दे पार भी लाहौर से लेके कराची फिर दिल्ली फिर मुंबई से इस दुखी वापसी व्हाट द फक जानी रुकने वाला सीन ही कोई अच्छा, नहीं अच्छा फिर तो होली जय है आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे ना तू खुश नसीब है द रैपर मेरे रिप्लाई के चक्कर में छे छे डिसे बना देते हैं मैं रिप्लाई नहीं देता भाई क्या फील आ रहा है यार समझ ईयरफोन्स को घुसेड़ दो कान के अंदर फरा से जानी आने दे पेशे खिदमत तीसरा धमाका गया रैप गॉड ये है इबलीस का इलाका जो भी लेने आया था तू इस वाले सीन में बोले तेरा मेरा तीन में सारे जानते अपना तो यही है तरस के जो मांगता तो दे देते हम सही से नाम तेरा चाओ पाओ नी हाओ लन खाओ तेल लगा ले मंगवाया है दुबई से मिल करे मिल के मैं गन थले छटा लिरिकल एक सोर्स से जमा जा तेरे जिन कटा डिस्की तू उठा ले हिस्ट्री कुछ से पहले भी पाल चुके मिक्स ब्रीड जिस चीज का तू कर रहा है लान उसे लड़ने का पास तेरे नहीं है सम्मान आके बारी बारी तेरे बाप समान हैशटैग जिनका तमाम फील देते देखे बिना चीर देते क्या खेले ना व्हील डील उड़ता ये तीर लेते उड़ते को ढील देके लगे हाथ काट दे पीर तेरे आ चुके बैठे आराम से ईमान से तू छोड़ तेरी बात नहीं बनी बना मैं फजूल खर्च आनो थाम इज मनी बॉर्डर के इस पार बॉर्डर के उस पार एक ही काम में मशहूर दोनों सनी अब ना सुनाई देता हने 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 अब ना सुनाई देंगे ये भी छन छने अब ना दिखाई देंगे मंजर यहाँ पे अब नई दुनिया में रैप गॉड बने क्वालिटी और क्वांटिटी में बहुत ज्यादा फर्क है मेरे लाख के भी आगे तेरा मिल गर्क है बहुत नहीं पूछेगी कि तेरे कैसे व्यूज थे पीले जानी घर का होने वाला दर्द है वो 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 मैन फुल पावर भी क्या बोलूं यार वो आज निकल ही जाएगा ये वर्ड बाप रे यार मतलब सीरियसली इसे कहते हैं डिस ट्रैक एक गाने में तीन गाने बना दिए करीब करीब दो दो डेढ़ डेढ़ मिनट का और भाई मतलब ले लिया यार आई मीन इट वाज टू गुड और जो बीट वेरिएशन थे यार मैंने नहीं इमेजिन करे मतलब कि तीन बीट आएंगे और उन तीनों बीट के ऊपर भाई जो फ्लो करने वाला है जो रैप करने वाला है जो रेफरेंसेस देने वाला है भाई मतलब कई सारे उर्दू के वर्ड थे तो मुझे इतने ज्यादा नहीं समझ आए लेकिन भाई 90% समझ आया वो 90% नहीं निस्तो नाबूद कर दिया टू गुड मैन भाई ये कौन है रैप डीमन इसके और भी गाने हैं क्या मेरे को कमेंट्स में बताओ भाई मतलब अगर मुझे रिएक्ट करना मुझे सुनने चाहिए रिएक्ट करना चाहिए तो आप ही बताने वाले हैं इट वाज टू गुड मैन यार मुझे इसका ऊपर पहले रिएक्शन वीडियो क्यों नहीं बनाया मतलब कल मैंने एक सीधा मेकओवर को बोला था कि शायद वो साल का सबसे तगड़ा डिस है क्या ये सबसे तगड़ा डिस है क्योंकि भाई मतलब इसमें इसने कुछ ज्यादा ही ले लिया यार मतलब बार्स 52 बार्स पहले आए 2 मिनट खत्म हो गए लेकिन मैं रुकने नहीं वाला मेरे फैंस के लिए मुझे करना है उसके बाद तो मतलब जस्ट टू गुड यार रेफरेंसेस थे इनकी अपनी पर्सनल खुन्नक भाई ने बोल लिया कि अब दुनिया में क्या क्या हो रहा है लेकिन हम बेगैरतों की तरह जो है डिस्ट्रैक्ट में लगे हुए हैं मतलब यार ये था लिरिकल रैप ये था लिरिकल मैं क्या बोलूं भैया मेरे शब्द नहीं आ रहे यार बहुत बढ़िया जो बीट चेंज हो जो लास्ट वाली बीट थी जे तू होली होली ले जा अरे भैया मतलब
क्या मिक्स करा था यार उस बंदे ने। सेकंड वाली बीट तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे केंड्रिक लमार का एक गाना मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा जिसके स्टार्ट में बेंड डाउन व्हाट यू वांट मनी ऐसे करके जो बोलते हैं वो वाली जो बीट थी गाने का नाम अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर सर्च करके दे दूंगा, भूल गया यार गाने का नाम और उसके शायद जो भी था। तो और अब जो थर्ड बीट आई पाप रे थैंक यू आप लोगों ने मुझे इस गाने के बारे में सजेस्ट करा। मतलब ये वो गाना नहीं है जिसको मुझे मैं अपने लेजर टाइम में नहीं सुनूंगा, अभी शायद ये वीडियो जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग बंद करूंगा मैं उसका कम से कम ये गाना 5-6 बार और सुनने वाला हूं क्योंकि भैया मज़े आ गए इतना ज़्यादा हार्ड गाना शायद हिंदी रैप में मैंने नहीं सुना है ओ मैन पानी पीना पड़ेगा ओह इसको कहते हैं गाना। मतलब मुझे तो अभी बिल्कुल वो 40 स्लॉट आ गया वो होता है अगर फायर इन द बूथ में अगर ये बार स्पिट कर दी जाती तो पता है 40 स्लॉट क्या बोलता है ये बोलता सबसे पहले तो भाई लोग आप लोग के थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे उस गाने के बारे में बताया और दूसरी चीज भाई रैप डीमन मैं अब तुम्हारे और गाने सुनूंगा देखता हूँ सुन पाऊंगा लेकिन मुझे सुनना चाहिए। अगर मैं नहीं सुन रहा हूँ तो मुझे रियलाइज हो रहा है मैं बहुत कुछ मिस कर रहा हूँ लाइफ में और अगर मुझे 5 में से स्टार देने होते ना मैं इस गाने को पक्का 4 स्टार देता है यार डिजर्व करता है ठीक है 4 छोटा नंबर नहीं है 5 में से लेकिन ये रैप कहीं से भी छोटा नहीं भाई बहुत बड़ा डिस था यार बहुत ही घुस घुस के वाले तेरी माँ और मतलब खाली गालियाँ नहीं यार गालियाँ तो ठीक है गाली वॉज अ पार्ट ऑफ इट लेकिन जो भाई ने गहराई से पानी में उतर कर ली है ना दैट वाज जस्ट टू गुड मैन डाइजेस्ट भी हो पा रहा। तो भाइयों मजे आ गए क्या गाना था यार गाने को सुनकर तो साला इतना ज्यादा जोश आ गया मैं बता नहीं सकता आप में भी आ गया होगा। तो चलो एक काम करो इसी जोश में है ना एक जोर का घंटा जो है सब्सक्राइब बटन को मार के लाल तो सफेद कर दो और जब वो सफेद हो जाए ना फिर उसका घुस के नोटिफिकेशन वाली घंटी बेल टंटना दो और बस हो गया अपना काम। और प्लीज ऐसी कमेंट सेक्शन में लिख के जाए ना मुझे प्लीज अपनी बातें बताया करो यार मुझे ये जरूर बताओ कि मुझे किस गाने को ऊपर रिएक्ट करना चाहिए। अगर मैंने और ऐसे और भी गाने मार्केट में आ रखे हो मैंने मिस कर दिए हैं तो प्लीज मेरे को उनके बारे में बताओ भैया जल्द से जल्द उनके भी रिएक्शन वीडियो बनाना तो बहुत ही जरूरी है यार तुरंत बनाऊंगा जैसे ही तुम बताओगे इनके बारे में। तो भाइयों बहनों इस वीडियो में बस इतना ही मैं अपना अगला वीडियो लेकर जल्दी वापस आऊंगा। टिल देन नया नया म्यूजिक सुनते सुनाते रहिए अपने कानों को सस्ते संगीत तो बचा के रखिए और #म्यूजिक सुनाओ म्यूजिक बजाओ फॉलो करिए अफेक।